Hello, good evening students. So today we are going to start very important topic, means important questions of lesson number 13 of class 10, that is magnetic effects of electric current. इसमें जो बहुत ही challenging questions हैं उनको हम लेंगे, जो exam point of view से बहुत ही important है. So it means most important questions of many students has sent me the list of few questions. Okay, तो मैं आपको So let's start from first question. ये question मैंने लिखा हुआ है, an electron enters a magnetic field at right angle to it. ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहां पे एंटर कर रहा है, तो पहली बात आपको नोट करना है इलेक्ट्रॉन है और मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है. कैसे एंटर कर रहा है, राइट एंगल टू इट. जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में जा रही हैं, तो उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं. तो जैसे मान लो मैं ये ले रहा हूं, यहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, और करंट बिल्कुल इसके इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ऐसे मान लो आप, ठीक है, बोर्ड में ऐसे डायग्राम बनी आप ऐसे मान लो उसको, ऐसे करो. तो ये बता रहे हैं कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस तरफ होगी एक्टिंग इन द इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसी फोर्स एक्ट होगी, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी किस तरफ होगी, ये थोड़ा सा सोचिए आप, दो सेकंड का टाइम, उसके बाद वी विल डिस्कस, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस ऑल दिस, ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरफ जा रही है, मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरफ जा रही है, हाथ को ऐसे रख दो, दिस इज ऑलरेडी आई हैव डिस्कस ऑल द रूल्स, ठीक है, रिलेटेड टू फाइंड द डायरेक्शन एंड अदर थिंग्स. तो आप देखिए हाथ को ऐसे रखिए, अपने हाथ को ऐसे रखिए, पाम रूल से मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं. ये डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है और इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं. ये थंब देखिए मेरा, या ये रेड कलर देखिए आप, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर आपकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करता है. यू नो बेटर डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन मूव करेगा. तो अपना हाथ स्ट्रेच करिए ऐसे, क्योंकि दिस इज पाम रूल, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसे थंब इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे जा रहे हैं तो करंट उस डायरेक्शन में जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है. अगर ये प्लेन पेपर ऐसे करके बात कर रहे हैं, दिस इज प्लेन पेपर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे, करंट की डायरेक्शन ये, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में. देखिए मेरा थंब देखो आप, ये देखिए, ठीक है, तो जो मेरा पाम है ये नीचे साइड, निचली साइड है, देखिए पाम निचली साइड है, इसका मतलब इन टू द पेपर मैग्नेटिक जो फोर्स आएगी, जो फोर्स एक्ट होगी इसमें, जो फोर्स एक्ट करेगी इलेक्ट्रॉन में, वो निचली साइड होगी, नीचे की तरफ जाएगा, तो मतलब इनटू द पेपर, क्लियर. तो कहां पे आएगा इसका आंसर, आएगा इनटू द पेपर, मींस डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की साइड वो फोर्स लगेगी, ठीक है. तो यहां पे लिख देता हूं मैं इनटू द पेपर, क्लियर हो गया. अब आप, ये था पाम रूल से बताया मैंने आपको, पाम रूल, ठीक है, क्लियर. अब मैं इसको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से डिस्कस करता हूं. अब देखिए आप, ये मैग्नेटिक फोर्स फील्ड करंट, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये बताता है ना, फोर्स फील्ड करंट. अब ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन वैसे जा रही है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी वैसे, तो आप इसको टर्न कर दीजिए, ये करंट की डायरेक्शन होगी. देखिए आप, ये करंट की डायरेक्शन होगी, ये मेरा जो सेंट्रल फिंगर है ये वाला, ठीक है, करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और थंब की डायरेक्शन की नीचे की साइड, इसका मतलब इनटू द पेपर. तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी बता रहे आपको, देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी हो गया, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ये भी क्या बता रहा है, तो हमने दोनों रूल अप्लाई कर लिए और वही डायरेक्शन आई इनटू द पेपर, क्लियर. दोबारा से देख लीजिए आप, फोर्स फील्ड करंट, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहे हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ करंट, तो अपने हाथ को टिल्ट करना है, अपने जो जो चीजें पता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पता है, करंट की डायरेक्शन पता है, फोर्स अपने आप नीचे आ गई, सो इनटू द पेपर. अगर आप, आपने मान लो यहां पे ये पेपर रखा है, तो इस पेपर में ये लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रॉन को नीचे की साइड फोर्स लगाएंगे, निचली साइड जाएगा, ठीक है. सो दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बाई अप्लाइंग दीज टू रूल्स, ठीक है. मैं सेकंड क्वेश्चन की क्वेश्चन, सो मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर आस्किंग आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. सो यू सी, सपोज दिस इज अ स्ट्रेट वायर एंड करंट इज मूविंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ,
अर्थ का जो साउथ है और नॉर्थ है तो उस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। इसका मतलब ये आपका ईस्ट हुआ और ये वेस्ट हुआ। सो करंट इज मूविंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड कंपास इज प्लेस। सो कंपास यू कैन सी दिस इज अ कंपास। ओके, सो कंपास की जो रेड नीडल दिख रही है आपको, दिस इज नॉर्थ और दूसरे वाला साउथ। मीन्स ये नॉर्थ डायरेक्शन को बताएगा, अर्थ के जो नॉर्थ है उसको उसकी तरफ ये मूव करेगा। ठीक है, तो देखिए आप जब कंपास को यहां पे रखेंगे तो पहले तो नीडल क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी, क्योंकि नॉर्थ पोल को डिफ्लेक्ट करेगा। और ये जो कंपास है ये जहां से नॉर्थ से लाइन साउथ की तरफ चलती है उस तरफ चलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये नोट करना है। देखिए ध्यान से, सपोज दिस इज मैग्नेट, दिस इज अ मैग्नेट एंड दिस इज द नॉर्थ मैग्नेट, नॉर्थ साइड ऑफ द मैग्नेट, दिस इज द साउथ पोल, दिस इज द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड दिस इज द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कमिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। यहां से नॉर्थ से लाइन निकलेंगे और साउथ में एंटर करेंगी। ये देखिए आप, मीन्स यहां से देखिए आप, ये देखो नॉर्थ से साउथ में लाइन जा रही है। एरो देखिए आप, लाइंस आर मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। इसका मतलब जब कंपास को यहां पे रखेंगे तो कंपास क्या करेगा, ये जो इसका रेड कलर का नीडल है आगे से टिप, इसकी जो रेड कलर की है वो साउथ की तरफ चलेगी। ठीक है, इसका मतलब जब आप कंपास को यहां पे रखेंगे इस प्लेस पे तो कंपास क्या करेगा, एकदम से डिफ्लेक्ट होगा उस तरफ। क्यों होगा उस तरफ, देखिए आप इस तरफ क्यों डिफ्लेक्ट होगा, जब मैंने किसी कंपास को, ये मान लीजिए मैंने कंपास, ठीक है, तो ये उस तरफ को डिफ्लेक्ट होगा, इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये डिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि जो कंपास है वो नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ चलेगा। और यहां भी देखिए आप नॉर्थ क्या करेगा, ऐसे देखो सबसे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात देखिए आप, इससे भी आप हो सकता है कि आपको अच्छे से समझ ना आया हो। अब देखिए आप, यू होल्ड योर हैंड लाइक दिस इज अ स्ट्रेट वायर और करंट इज मूविंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, अपना हाथ ऐसे रखिए तो एक्सटेंडेड थंब्स गिव यू द नॉर्थ पोल, ये आपके पास नॉर्थ पोल बन गया। तो नॉर्थ पोल कंपास का जो नॉर्थ है उसको रिपेल करेगा और मैग्नेटिक जो फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ में जा रही है वो भी क्या करेंगी, इस कंपास को डिफ्लेक्ट करेगी, जो टिप है कंपास की उसको डिफ्लेक्ट करेगी और नॉर्थ से साउथ की तरफ चलना करेगा, स्टार्ट करेगा। ठीक है, इसलिए जो आपका आंसर आएगा दैट इज नॉर्थ ईस्ट। क्लियर, चलिए आप दूसरा इसका एग्जांपल ले लेते हैं एक और। ठीक है, आप सपोज करिए आप जो करंट मैं यहां से नॉर्थ ले लेता हूं और इस तरफ से साउथ ले लेता हूं, अर्थ का मान लो साउथ ही है, नॉर्थ ही है और साउथ और करंट मूव कर रहा है नॉर्थ टू साउथ, तो आपने यहां पे फोकस नहीं करना है, ये अर्थ का नॉर्थ है और अर्थ का साउथ है। अपने हाथ को ऐसे रखना है आपको, राइट हैंड थंब रूल बाय यूजिंग, यहां पे लिख सकते हैं आप, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। देखिए मैक्सिम बच्चों को यही प्रॉब्लम आ रही है इस क्वेश्चन में, तो इसको यूज करके हमने डायरेक्शन पता कर ली, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इसका रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, अगर इफ यू हैविंग फोर ऑप्शन देन दिस इज आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके, आप दूसरा देखिए, अब मैंने नॉर्थ पोल पहले साउथ, अर्थ का साउथ और नॉर्थ लिया, मैंने नॉर्थ टू साउथ ले लिया, करंट नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, तो आपको यू होल्ड योर हैंड राइट हैंड लाइक दिस एंड अप्लाई द राइट हैंड थंब रूल। तो ये देखिए आप, तो ये क्या बनेगा आपके पास, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसको बहुत अच्छे और भी तरीकों से इसको डिस्कस किया जा सकता है। जैसे देखो यहां से हाथ को मैंने ऐसे रखा तो वो नॉर्थ बनेगा और ये साउथ बनेगा। अगर वो नॉर्थ बनेगा और बिलो द वायर आपको आपने कंपास रखा हुआ है, देखिए आप बिलो द वायर आपने कंपास को रखा हुआ है, ठीक है, तो किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट होगा और ये आपका वेस्ट है। ठीक है, ये देखिए नॉर्थ ईस्ट और ये वेस्ट साउथ, तो ये नॉर्थ पोल बना आपका। अब देखिए नॉर्थ पोल बना तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से कहां चलेंगी, साउथ में इसको फॉलो करेंगे हम, तो ये क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। किस तरह डिफ्लेक्ट होगा, ये इस तरफ डिफ्लेक्ट होगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, दिस इज नॉर्थ ईस्ट। तो मैक्सिमम बच्चे इसलिए कंफ्यूज होंगे कि नॉर्थ तो ये है लेकिन ये तो अर्थ का नॉर्थ है ना, दिस इज अर्थ नॉर्थ बट द करंट इज मूविंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल इन अ स्ट्रेट वायर, देन अप्लाइंग द राइट हैंड थंब रूल यू विल गेट हियर नॉर्थ पोल एंड दिस साइड यू विल गेट साउथ पोल।
ठीक है, बाई अप्लाइंग राइट हैंड, बाई अप्लाइंग, बाई अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो देखिए आप अभी इस तरफ को डिफ्लेक्ट किया तो क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये डिफ्लेक्ट हुआ, नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये डिफ्लेक्ट हुआ। देखिए एक और ट्रिक करेगी, इस करंट ऐसे जा रहा है, इसका मतलब अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, तो ये क्रॉस मार्क करेंगे और यहां से बाहर आ रही है, इस वायर से नीचे की तरफ बाहर आ रही है, तो यहां पे डॉट मार्क करेंगे। ठीक है, तो ये अगर नॉर्थ बना या साउथ बना तो नॉर्थ से साउथ की तरफ लाइन चलेंगी, ठीक है, ऐसे करके आएंगी और नीचे से ऐसे साउथ से नॉर्थ में चलेंगी। तो ये किसको फॉलो करेगा, जो कंपस रखा होगा यहाँ पे, जो आपने इस तरफ कंपस रखा तो क्या करेगा, वो कंपस क्या करेगा, नॉर्थ से जो लाइन साउथ में जा रही है उस तरफ चलना स्टार्ट करेगी, इसलिए आपका डिफ्लेक्शन जो आएगा ये नॉर्थ और अर्थ का ईस्ट, ईस्ट इस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगी लाइन, डेविएट करेगी, क्लियर। ओके, यहां भी देख लीजिए आप, ऐसे रखा था हमने करंट साउथ से नॉर्थ में था, तो ये अर्थ का नॉर्थ था, लेकिन जब एक्सटेंडेड थंब दिया तो ये नॉर्थ बन गया, जो मैग्नेट था उसका भी, वेस्ट और ईस्ट तो शिफ्ट होने वाले नहीं है, चाहे आप कैसी भी डायरेक्शन ले लो, नॉर्थ का इस तरफ ईस्ट है, अगर नॉर्थ को इस तरफ करते तो ईस्ट इस तरफ आ जाएगा उसके राइट साइड में। ठीक है, तो यहां से भी अगर ऐसे हाथ रखेंगे तो ये लाइन अंदर जा रही है, इसका मतलब ये इन टू द पेपर पास कर रही है और यहां से बाहर आ रही है, ऊपर से देखा ऐसे कर दी, क्योंकि वो कंपस अबव द वायर है, कंपस इज प्लेस्ड, कंपस इज प्लेस्ड अबव द वायर, अबव द वायर, और यहां देखिए आप कंपस इज प्लेस्ड बिलो द वायर इस केस में। ठीक है, कंपस इज प्लेस्ड बिलो द वायर, तो देखिए आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, तो यहाँ पे आपका डॉट लगेगा, यहाँ पे क्रॉस लगेगा, तो कंपास को जब लेके जाएंगे इसके पास ऐसे करके, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके आ रही है, तो वो तो, लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। अब देखिए अगर सपोज करिए मैग्नेटिक जो आपके पास कंपास को, अगर मान लो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ये कोई बार मैग्नेट है, ठीक है, ये बार मैग्नेट है आपके पास, बार मैग्नेट, दिस इज अ बार मैग्नेट, तो इसके ऊपर हमने कंपास लिया, कंपस लिया और बिल्कुल सेंटर में ऐसे करके रख दिया, और जो कंपस का नॉर्थ है वो नॉर्थ की डायरेक्शन में, कंपस का साउथ है वो साउथ की डायरेक्शन में रख दिया, तो क्या करेगा ये वाला नॉर्थ जो है इसको रिपेल करेगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि नॉर्थ पोल इस तरफ आ जाएगा और साउथ पोल इस तरफ आ जाएगा, और पहले हमने ऐसे रखा था, ये नॉर्थ रखा था कंपस का जो लिटल रेड वाली जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को दिखाती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो वो डिफ्लेक्ट होकर उस तरफ चलेगी, मींस उस तरफ को डिफ्लेक्ट होगी, तो क्योंकि सेम पोल रिपेल इच अदर एंड अपोजिट पोल अट्रैक्ट इच अदर, तो ये जो है नॉर्थ पोल जो इसका नीडल है वो उस तरफ चली जाएगी और दूसरे वाली नीडल जो है वो नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स यू कैन सी हियर इज वन एक्सपेरिमेंट दैट डेमोंस्ट्रेट दैट देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। सो आप डायग्राम देखिए और देखिए यहाँ पे कंपास जो है एक स्ट्रेट वायर के ऊपर रखा हुआ है और की को क्लोज नहीं किया है, तो ये जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही जो कंपास है वो पड़ी रहेगी और डिफ्लेक्ट नहीं कहीं करेगी किसी भी डायरेक्शन में, क्योंकि करंट इज नॉट मूविंग, सो देर इज नो मैग्नेट एंड इट विल नॉट डिफ्लेक्ट इन एनी डायरेक्शन, सो इट विल बी लाइंग ऑन ए बी वायर। नाउ सी सेकेंड केस, व्हेन द की इज प्रेस्ड अ करंट पासिस इन द वायर इन द डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, दैट इज मीन्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, and the north pole of the needle deflects toward the west. It means when needle is placed above the wire, then it will deflect toward the northwest. So students, aap C case dekhiye. When the direction of the current in the wire is reversed, the north pole of the needle deflects toward the east. तो यहाँ पे बैटरी में पॉजिटिव लेफ्ट साइड है लेकिन करंट राइट साइड से आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे रॉन्ग है ये। आप देख सकते हैं दिस इज करंट मूविंग फ्रॉम बी टू ए डायरेक्शन, और आप राइट हैंड थंब रूल को यूज करेंगे तो जो कंपस लिखा हुआ है आपके यहाँ पे ऊपर वाले डायग्राम में, तो यहाँ पे इनटू द पेपर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, तो मतलब वहाँ पे नॉर्थ पोल बना और निचली साइड साउथ पोल बने, तो कंपस को जब रखेंगे वायर के ऊपर रखेंगे वायर के, तो क्या होगा वो ईस्ट की तरफ रिफ्लेक्ट करेगा,
क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ चलते तो मैग्नेट भी उसी डायरेक्शन चलेगा, इसलिए ये नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में मूव करेगा। नेक्स्ट केस देखिए आप, इफ द कंपास नीडल इज प्लेस जस्ट अबव द वायर नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट टुवर्ड ईस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम ए टू बी। अब डायरेक्शन चेंज कर दी, कंपास को वैसे ही रखा, तो अब देखिए अगर राइट हैंड थंब रूल फिर यूज़ करेंगे तो कंपास जहाँ से दूसरी डायग्राम में जो कंपास लिखा हुआ है वहाँ से लाइंस बाहर आ रही है, मतलब साउथ बना नीचे साउथ नॉर्थ बना, तो कंपास हमेशा नॉर्थ की लाइन जिस तरफ से चलेंगी उसी तरफ को डिफ्लेक्ट करेगा। इसका मतलब जो आपका कंपास है वो फिर से कहाँ से डिफ्लेक्ट करेगा, टुवर्ड्स ईस्ट, क्योंकि ये जो इसका बी साइड है ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ के राइट साइड में ईस्ट होगा, तो ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ फिर से डिफ्लेक्ट करेगी। क्लियर, आपको राइट हैंड थंब रूल यूज़ करके ही इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, तभी आपको ये समझ आएगा, नहीं तो नहीं समझ आएगा। सो स्टूडेंट्स लेट्स समराइज द क्वेश्चन। सो राइट हैंड थंब रूल इज गिवन हियर, यू सी द डायग्राम एंड यू सी द डायग्राम ऑफ करंट फ्लोइंग इन द वायर एंड थर्ड वन इज द डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड वी कैन से द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। यू सी द डॉट्स आर देयर हियर, वन इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कमिंग फ्रॉम द पेपर एंड वन इज एंटरिंग इन टू द पेपर। सो यू हैव टू फोकस ओनली क्रॉस साइन वेयर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एंटरिंग इन टू द पेपर, सो इट इंडिकेटिंग दैट मैग्नेट फॉलो ओनली दिस क्रॉस साइन। सो इफ वी प्लेस ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ सच दैट द वायर इज प्लेस्ड below a compass needle and the wire is parallel to the compass needle, then the north pole of the compass needle deflects toward east. So I think you understood it well. Now students see the next question, that is question number 6. A soft iron is enclosed by a coil of insulated copper wire as shown in the figure. When the plug of the key is closed, the face B of the iron bar marked as. मीन्स सिंपल लैंग्वेज में आप देखिए, अगर इस की को आप प्रेस करें, की के इज प्रेस्ड, तो करंट पॉजिटिव हायर टर्मिनल से लोअर टर्मिनल में फ्लो करेगा। मैंने दो केस लिए यहाँ पे, केस नंबर फर्स्ट और दिस इज सेकंड। आप देखिए ध्यान से, ये रियोस्टेट है, ये सर्किट आपका बना हुआ, बैटरी लगी हुई है, ठीक है, करंट के डायरेक्शन है। अब जब आप यहाँ पे किसी कंपस को, ठीक है, या मैग्नेट को लेके आएंगे तो क्या होगा, देखिए आप ध्यान से, अगर मैं मैग्नेट, एक सस्पेंडेड मैग्नेट है मान लीजिए कोई, इसके एंड में लेके आए तो कौन, इस एंड पे कौन सा पोल डेवलप होगा, नॉर्थ पोल डेवलप होगा या साउथ पोल डेवलप होगा, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, लेकिन बहुत ही कन्फ्यूजिंग भी है। आप ध्यान से देखना क्या किया मैंने यहाँ पे, ये जो आपके पास कंडक्टर है या सोलिनोइड है या जो भी हमने लिया हुआ है इंसुलेटेड कॉपर वायर, अगर मैंने इसको इस तरीके से रैप किया, या देखिए आप इसके वायर नीचे से वायर ऐसे जा रही हैं, ध्यान से देखिए, पर इस डायग्राम में ये ऊपर से जा रही हैं, इस डायग्राम में ये ऊपर से वायर जा रही हैं ऐसे करके, यहाँ से अंदर, ठीक है, और यहाँ से बाहर आ रही है, नीचे से बाहर आ रही है ऐसे करके। इसका मतलब यू होल्ड योर हैंड लाइक दिस और थंब आपका ये दिखा रहा है नॉर्थ पोल को, एक्सटेंडेड थंब गिव यू द नॉर्थ पोल, इसका मतलब यहाँ पे क्या डेवलप होगा, नॉर्थ पोल। और उस जो आदमी यहाँ से देखेगा, इस तरफ से जो आदमी देखेगा उसको ये नॉर्थ पोल दिखेगा, उसको लगेगा कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट आ रहा है ऐसे करके। क्लियर, अब ध्यान से देखिए दूसरे वाला क्वेश्चन। अब पहले मैंने ऐसे रखी थी वायर्स, तो एक्सटेंडेड थंब ने हमें नॉर्थ पोल दिया था। अब वायर को मैं ऐसे रख रहा हूँ, I am holding my hands like this, wrapping wire like this. You see my hand. तो नीचे से वायर आ रही है अब, तो extended thumb उस तरफ है, तो जो आदमी यहाँ से देखेगा, ठीक है, जो कोई आदमी यहाँ से देखेगा उसको वो north pole दिखेगा, उसको वो north pole दिखेगा। क्यों दिखेगा, ये देखिए आप वायर्स जो है ऐसे जा रही है, देखिए इसके एरो ऊपर से नीचे हैं, ऐसे जा रहा है करंट, तो थंब वो बता रहा है आपका कि नॉर्थ पोल उस तरफ बनेगा, और इसमें थंब जो है नॉर्थ पोल को इस तरफ बता रहा है, एक्सटेंडेड जो थंब है वो नॉर्थ पोल इस तरफ बता रहा है, यहाँ पे उस तरफ बता रहा है। इसका मतलब ये आदमी कोई यहीं इस डायरेक्शन से, ए डायरेक्शन से देखेगा तो बी डायरेक्शन उसको लगेगा कि वो नॉर्थ पोल है, अगर वायर नीचे से रैप की होगी ऐसे तो। क्लियर,
सो दिस इज मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में पूछा था कि द फेस बी ऑफ द आयरन बार मार्क डैश, इसका मतलब ये नॉर्थ है तो क्या होगा, ये साउथ होगा ऑटोमेटिक. ये क्या बन जाएगा, साउथ पोल, क्योंकि ये नॉर्थ है तो वो साउथ होगा, तो बी पूछा हुआ इसने. और नेक्स्ट क्वेश्चन में मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बी पूछा और सेम पैरेलल क्वेश्चन दे दिए दोनों आपको, और सिर्फ आपकी जो रैपिंग है वायर की इस तरीके से और उसकी उस तरीके से, तो आपको पूछा कि बी एंड क्या होगा, तो दैट विल बी नॉर्थ. तो ये बहुत ही बच्चों को मैक्सिमम बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है. तो आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझिए, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन